चले आगे बढ़ते हैं, जयपुर का रुख कर लेते हैं। आमेर तहसील क्षेत्र में 12 घंटे इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे तक जो इंटरनेट बंदी है वो यहां पर रहने वाली है। पुलिस आयुक्त के अनुशंसा पर निकाले गए हैं ये आदेश और संभागीय आयुक्त विकास भाले ने ये आदेश निकाले हैं। आमेर क्षेत्र में प्रतिरक्षित व्यक्तियों का आवागमन और इसके साथ ही ठहराव, इसलिए यहाँ पर प्रतिरक्षित व्यक्तियों के लिए सुरक्षा को खतरा और कानून व्यवस्था पर भी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। वैसे में जो इंटरनेट सेवा है 12 घंटे के लिए यहां पर बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रहेगी और संभागीय आयुक्त विकास भाले ने आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिरक्षित व्यक्तियों का आवागमन और ठहराव को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और किसी तरीके की सुरक्षा में कोई खलल ना पड़े, कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बनी रहे, कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और उसकी कोई आशंका ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। जयपुर के आमेर तहसील क्षेत्र में ये इंटरनेट सेवा बंद की गई है और पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पूरा मामला क्या कुछ है बताइए जरा। देखिए, राजस्थान के अंदर आज 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। जीआईसी मूवमेंट आमेर क्षेत्र में है, बाराबंदी हो रखी है, कह सकते हैं होटल लीला के अंदर कांग्रेस के विधायकों की, ऐसा माना जा रहा है। और जो प्रतिरक्षित जो व्यक्ति है उनका आवागमन और ठहराव आमेर क्षेत्र में है। ऐसे में पुलिस आयुक्त की अनुशंसा पर जयपुर संभागीय आयुक्त विकास सीताराम बाले ने सुबह 9 बजे तक, यानी कि कल रात से 9 बजे से सुबह 9 बजे तक आमेर तहसील का जो क्षेत्र है उसमें नेटबंदी की है। यानी कि पूरी तरीके से जो आमेर का इलाका है उसमें सुबह 9 बजे तक नेटबंदी रहेगी। उसमें जो पत्र है उसमें जिक्र किया गया है कि जो प्रतिरक्षित व्यक्ति है उनका आवागमन ठहराव है, उनको उनको खतरा बना हुआ है और कानून व्यवस्था के लिहाज से नेटबंदी करना ठीक रहेगा। हालांकि जो पुलिस आयुक्त की जो अनुशंसा है दोपहर 12 बजे तक जो पत्र में लिखी गई थी, लेकिन संभागीय आयुक्त सीताराम भाले ने उसे रात्रि 9 बजे से लेकर और सुबह 9 बजे तक किया, यानी कि 12 घंटे की लिहाज नेटबंदी की रखी गई है और 9 बजे बाद माना जा रहा है कि इंटरनेट सेवा है वो फिर से बहाल हो जाएगी। देखिए, राजस्थान के अंदर इस समय पूरी तरीके से गहमा गहमी हुई है, चुनाव है, वीआईपी जो लोग हैं वो आए हुए हैं और कह सकते हैं कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो आमेर क्षेत्र इलाका है वहाँ पर लगातार मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे सूचना सूत्रों से जो पुलिस को है सूचना मिली थी कि यहाँ प्रतिरक्षित व्यक्तियों को यहाँ पर जो आवागमन और ठहराव है, इसलिए यहाँ कुछ माहौल थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ पर नेटबंदी करना ठीक रहेगा और पुलिस आयुक्त की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त ने ये नेटबंदी के आदेश निकाले हैं। जी दीपक, तो साफ तौर पर ये माना जाए कि जब जो तमाम विधायक गण है वो वोटिंग के लिए यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद जो इंटरनेट सेवा है उसे बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा? हाँ, देखिए 9 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो विधायक है होटलों से बसों के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचेंगे, अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। और क्योंकि देखिए पिछले दिनों कल ही विधायक उदयपुर से जयपुर पहुंचे हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है, रात तक उनको बताया गया कि किस तरीके से उनको वोट कास्ट करना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब 9 बजे सुबह वोटिंग शुरू होगी, हालांकि देखिए इस आदेश को इस राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये जरूर है कि प्रतिरक्षित व्यक्तियों को ठहराव और आवागमन। चलिए, तो साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।